हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत जसवानी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल ABS Tech अनंत जसवानी में। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप ई बुक कैसे क्रिएट करेंगे। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि आप 30 पेजेस की बुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने कैनवा की ट्यूटोरियल आपको बताई हुई थी। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बड़ी बुक बनाना है, जैसे कि तकरीबन 100 पेजेस की है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 30 30 30 करके ऐसे चार बुक आप बना सकते हैं कि 30 30 30 एंड 10। आप चार बुक यहाँ पे कैनवा पे जाके आप क्रिएट कीजिए। जितना टाइम आपको एक बुक क्रिएट करने में लगेगा, जैसे 100 पेजेस की आप एक बुक क्रिएट करते हैं, तो सेम या उससे कम टाइम ही आपको लगेगा कि आप 100 पेजेस की अगर 3 या 4 बुक आप क्रिएट करते हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में मैंने बताया था कि जो आपने 3 या 4 या 2 आपने PDF बनाए हैं उनको मर्ज करना है, तो आप उनको कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे आपको क्रिएट करना है ईबुक। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, कौन सी ऐसी 10 साइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी ईबुक सेल कर सकते हैं। और मोस्टली साइट्स फ्री हैं, शायद आपसे कुछ ट्रांजेक्शन फीस लें या फिर एक छोटा मोटा कमीशन रहेगा, तो आपको अपने प्राइजेस भी उसी से सेट करना है। उसके पहले जब भी आप उस साइट पे अकाउंट क्रिएट करें तो आप उनके ट्रांजेक्शन फीस या जो भी उनके चार्जेस हैं वो सारी चेक करने के बाद ही आप अपना प्राइस डिसाइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल ABS Tech अनंत जसवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है वीडियो के नीचे, आप उसको क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो साइट है जो कि बेस्ट साइट है, आप वहां पे से PDF यहां पे सेल कर सकते हैं, जिसका नाम है किंडल। ये Amazon की ही साइट है और आप यहां पे किंडल पर भी आप अपनी PDF को पब्लिश कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको फ्री में देना है लोगों को या फिर आपको उसका एक प्राइस लेना है। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल सा आपको यहाँ पे साइन अप करना है अगर आपका पहले से Amazon पर अकाउंट नहीं है, और अगर आपका पहले से अकाउंट है Amazon का कोई भी अकाउंट है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे साइन इन भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे साइन इन करना है और आपको यहाँ पे अपनी बुक पब्लिश करना है। ये अगर आपको लगता है, इनकेस आपको लगता है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूं कि कैसे आपको कौन कौन सी साइट्स पे आपको ऐड करना है। नेक्स्ट अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इनके वो वीडियो भी बना दूंगा कि आपको Amazon Kindle पे कैसे अपलोड करना है और जो बाकी साइट्स में आगे बताने वाला हूँ उन साइट्स पे आपको अपलोड कैसे करना है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है ये चीज कि आपको इसकी जरूरत है, कैसे अपलोड करना है आपको, आप एक बार अपलोड करके जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ही सिंपल हैं। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए जरूर ये वीडियो बना के दूंगा। तो फर्स्ट जो साइट थी वो थी किंडल। आप यहां से पर डायरेक्ट आपकी ईबुक जो है वो सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट साइट है वो नेक्स्ट साइट है पेहिप। पेहिप भी आपको ईबुक सेल करने के लिए या जो डाउनलोड डिजिटल डाउनलोड प्रोडक्ट्स हैं या मेंबरशिप ऑफर करने के लिए, ये भी एक फ्री साइट है। एक्चुअली इसको कंप्लीटली फ्री नहीं बोल सकते हैं, आप यहाँ पे इनके प्राइजेस चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइजेस भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनका जो बेसिक प्लान है वहां पे आप यहाँ पे 100 डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड 10 फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड 2 मेंबरशिप प्लान्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं और रेवेन्यू यहाँ पे आपका अनलिमिटेड रहेगा। साथ में यहाँ पे 5% ट्रांजेक्शन फीस है, जो कि मैंने आपको बताया था कि डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म, जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उनकी कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन फीस रहेगी। जैसे Amazon पर भी कुछ ना कुछ एक फीस है जो कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक और सेकेंड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी सिंपल सा आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको आपका ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है, फिर आपको आपका अकाउंट वेरीफाई करना है एंड देन आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉग
लॉग इन करते हैं आपको सारा डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पे आपको आपकी अपलोड करनी है पीडीएफ जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई थी, ये जो अभी हमने लास्ट टाइम भी एक पीडीएफ क्रिएट की हुई थी। तो आपको यहाँ पे बस आपकी पीडीएफ ऐड करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन, और आपको एक प्राइस सेट करना है कि आपको अपनी जो ईबुक है वो कितने में सेल करनी है। जैसे कि आप अगर $5 में करते हैं, $10 में करते हैं, डिपेंड्स ऑन आपकी ईबुक और आपका निश कि आपने क्या ईबुक बनाई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे डिजिटल डाउनलोड के साथ मेंबरशिप का भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आप मेंबरशिप बनाना चाहते हैं कि जो फ्यूचर आपकी बुक्स रहेंगी या आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे तो उनके लिए भी लोग आपका मेंबरशिप लें, तो वो चीज भी आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे दो प्लान आप यहाँ पे मेंबरशिप के क्रिएट कर सकते हैं, तो ये दोनों चीजें आपके लिए पेहिप में मिल जाती हैं। थर्ड साइट का नाम है blurb.com। यहाँ पर भी आपको सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि अभी हम जो आपकी ईबुक थी वो हम कैनवा के थ्रू बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फोटो बुक, ट्रेड बुक, मैगजीन, ई बुक, इन सब के ये फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपको क्रिएट करना है उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पे आपकी खुद की अपलोड पीडीएफ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेल का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सेल थ्रू ब्लर्ब आप करना चाहते हैं, अमेजोन करना चाहते हैं, इनग्राम करना चाहते हैं, या फिर एप्पल आई बुक पर करना चाहते हैं, या फिर किक स्टार्टर पर करना चाहते हैं। तो अगर आप ब्लर्ब के थ्रू ही सेल करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको बुक बनानी है या आपको सेल करनी है। तो आपको अगर बुक सेल करनी है, आपने ऑलरेडी बना ली है, तो आपको यहां पे सेल करने का ऑप्शन मिल जाता है कि सबसे पहले आपको आपकी लिस्टिंग यहां पे क्रिएट करनी है, जो कि आपके डैशबोर्ड में आपको क्रिएट करनी है कि आपको उसका टाइटल डालना है, ऑदर नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे आपका प्राइस ऐड करना है। प्राइस में आपकी दोनों चीजें रहेंगी, आपका बेस प्राइस रोज जो रहेगा वो रहेगा, और आपकी एक इसकी फीस रहेगी, ठीक है। इन दोनों के बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा। तो और यहाँ पे बस आपको फिर यहाँ पे आपको अपनी बुक को प्रमोट करना है, बाकी जगह जहां भी आप चाहें प्रमोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी कोई साइट है, आपकी कोई साइट है, आप उस पर इसको लगाना चाहते हैं, वहां भी आप लगा सकते हैं। साथ में आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे कि अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटिंग का भी ऑप्शन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर आपके यहाँ पे देखिए कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस भी यहाँ पे कि अमेजोन पे आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं और ब्लब पे आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, तो यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। बाकी इसका नाम है blurb.com, तो आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी तीसरी साइट। अब हम बात करते हैं चौथी साइट। चौथी साइट बहुत ही पॉपुलर है, आपने इसका नाम सुन रखा होगा, lulu.com करके इस साइट का नाम है। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट टाइप के, इनकी खुद की शॉप है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप फिक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे खुद की ये बुक सेल करते हैं, तो उन्हीं बुक्स में आपकी बुक भी यहाँ पे सेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी बुक्स हैं जो कि ये सेल कर रहे हैं, और ये टॉप कौन सी है, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि क्रिएट, आप ई बुक यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सेल करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा सेल योर बुक ऑन lulu.com, एंड देन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी बुक क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है तो आपको सिंपल सा यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्रिएट करना है, फिर ISBN नंबर के लिए अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना है, फिर आपको प्राइस ऐड करना है, और आपको आपकी बुक को पब्लिक कर देना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे अर्निंग एक्चुअली में करेंगे कितनी, हाउ मच मनी कैन आई मेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विस मिल जाती है कि आपकी सिर्फ पीडीएफ ये लोग प्रिंट करके भी आपकी सेल कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपकी ब्लैक एंड व्हाइट अगर बुक है
तो आपकी बुक अगर आप 14.95 की बुक यहां पे ऐड करते हैं तो यहां पे बेस प्राइस आपका 5.25 रहेगा और यहां पे शेयरिंग प्राइस ये रहेगा और आपकी अर्निंग यहां पे इतनी होगी। तो यहां पे आपको अर्निंग सिर्फ 7.76 रहेगी सिर्फ आपको पीडीएफ क्रिएट करने का है। यहां पे प्रिंटिंग वगैरह सारी चीज इनकी है कि 200 पेजेस तक ये अगर बुक प्रिंट करके भेजते हैं और अगर आप कलर का करते हैं तो तकरीबन 29 लिस्टिंग फीस रहेगी जिसमें से आप $15 अर्निंग करेंगे और अगर हार्ड कवर पे रहेगी तो वो तकरीबन $34 की बनेगी जिसमें से 14.64 आपकी अर्निंग रहेगी और अगर वैल्यू पेपर बैक की है तो आपकी लिस्टिंग फीस रहेगी 4.95 जिसमें से आपकी अर्निंग होगी 8.88 और अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ है तो आपकी यहाँ पे 7.20 आपकी अर्निंग होगी और लिस्टिंग आपकी यहाँ पे 8.90 रहेगी। तो आपने अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी फीस है वो बहुत ही कम लग रही है। अगर आप सिर्फ पीडीएफ सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे इसके साथ में बाकी और भी जगह आप अपनी बुक को सेल कर सकते हैं। साथ में आप पेपर बैक में चेक करेंगे तो यहाँ पे अमेजोन इनग्राम बाकी सारे प्लेटफॉर्म है, कलरफुल में भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में सेम प्लेटफॉर्म है और अगर आप वैल्यू पेपर बैक में करते हैं तो सिर्फ इनकी साइट पर ही है। और इसके बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ ई बुक के लिए जाया करते हैं तो आपके यहाँ पे किंडल है, कोबो है, यहाँ पे बाकी सारे प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पे आप अपनी वन टाइम में सिर्फ एक जगह आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और बाकी जगह भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी साइट है और यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है ट्रेड एंड बिट। यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ पे भी आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपलोड एंड पब्लिश पे क्लिक करना है, जो आपको ये पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट करना है, सभी जगह पे चीजें आपको सेम करनी है तो वो चीजें आपको पहले से बना के रखना है। जैसे कि एक टाइटल आपको जो कि आपकी बुक का टाइटल है वो आपको टाइटल बना के रखना है, साथ में आपको उसका डिस्क्रिप्शन बना के रखना है और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक उसका कवर पेज और पीडीएफ आपकी बनी हुई है। और कवर पेज भी अगर आपके पास नहीं है तो आप कवर पेज भी आप कैनवा से ही बना सकते हैं। और बाकी इन साइट्स पे भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कवर पेज के और बाकी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी एक और साइट ट्रेडबिट। तो ये जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको पब्लिश करना है और आपकी बुक को आप सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट साइट है हमारी kobo.com। आप यहाँ पे देख सकते हैं kobo.com, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है कि आप यहाँ पे भी अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्फ पब्लिश का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे खुद की बुक यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर भी आपको यहाँ पे भी आपको एक क्रिएट अकाउंट करना है और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे बुक अपनी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट ये मिलता है कि जो इनके ऑलरेडी रीडर्स हैं, मतलब कोबो के आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी साइट है कोबो और यहाँ पे तकरीबन मिलियंस यहाँ पे रीडर्स हैं, तो यहाँ पे आपको फ्री में ये सारा प्रमोशन आपको मिल जाता है। ये एक प्रकार से कहा जाए तो अमेजोन टाइप से है कि अगर आपने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट डाला तो वहां पे आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी लोग हैं, आपका प्रोडक्ट सर्च में आएगा और वहां पे सेल होगी। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे आपने बुक डाली और आपकी बुक यहाँ पे हजारों लोगों के सामने ऑलरेडी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैं और बाकी भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ मेक मनी यहाँ पे सर्च किया तो मेक मनी अगर मैंने सर्च किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेक मनी से रिलेटेड भी यहाँ पे बुक्स आ गई हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी बुक जरूर सेल होगी, आपके अगर कमेंट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी शायद आगे जाके बुक सेल ना हो। लेकिन अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया है और उसको आपने वैल्यू ऑफ मनी अगर लोगों को दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि लोग 1400 की बुक खरीदने के बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिव्यू यहाँ पे 5 का 5 है, मतलब 100% रिव्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ के रिव्यूज कम है, कुछ के और कम है और किसी किसी के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। तो आपको अगर कोई भी चीज आप बना रहे हो, आपको प्राइस जरूरी नहीं है कि आप कम रखिए,
प्राइस से ज्यादा आपको फोकस करना है क्वालिटी पर, कि जितनी अच्छी आप क्वालिटी देंगे उतना अच्छी आपकी बुक की सेल ज्यादा से ज्यादा होगी। तो इस टाइप से ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप यहाँ पे देखेंगे फिक्शन बुक्स हैं, बाकी जो इनकी टॉप मोस्ट कैटेगरीज हैं वो ये सारी बुक्स हैं। तो आप अगर इनसे रिलेटेड बुक्स लिखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा सेल हुई है। आप अगर यही एक बुक देखते हैं तो आप ये देखते हैं 130 पेजेस है और 31 यहाँ पे कुछ करेक्टर्स हैं और तकरीबन 1 स्टार इनको रेटिंग मिली है और इनकी सेल कितनी हुई है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बाकी मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी बुक है, अगर आपकी बुक पर रिव्यू अच्छे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसके सेल होने के चांसेस हैं। अगर आपकी बुक पर रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो बुक शायद आगे कोई ना खरीदे। तो एक हो गया हमारा kobo.com और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बांस एंड नोबल प्रेस। यहाँ पर भी सेम चीज है कि यहाँ पर भी आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये फ्री नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ एक फीस देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 9.99 आपकी अगर रिटेल प्राइस है तो उसमें आपको रॉयल्टी तकरीबन 65% आती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि क्या कितनी यहाँ पे आएगी, अगर आपका कितना है तो उस पे कितनी रॉयल्टी फीस आ रही है। अगर आपका 2.98 की है तो आपको 40% आएगी और अगर आपकी 2.99 से है तो आपको उसकी 65% रॉयल्टी आएगी। तो और बाकी यहाँ पे आपकी रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फीस 35% आपको यहाँ पे लग जाती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी बुक किस टाइप की है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुक प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप पेज काउंट और पेज साइज के हिसाब से आप यहाँ पे एक प्राइस आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना प्राइस पड़ेगा, कैसे आपकी बुक रहेगी, बाकी सारी चीजें और उसका आपको कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो मार्जिन आपको मिलेगा वो 3.23 मिलेगा और यहाँ पे इतना रहेगा। ये कितने पेजेस का है, यहाँ पे 100 से 150 पेजेस का यहाँ पे मैंने आपको एस्टिमेट बताया है। ये सारी चीजें आपकी साइजेस पे भी वेरी करती हैं कि आपकी जितनी बड़ी बुक रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पे ये सारे प्राइस वेरी करेंगे। ठीक है, तो ये फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है पेलोड्स। पेलोड्स भी अच्छी साइट है लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली है, तो आप यहाँ पे 19.95 अगर दे सकते हैं तो आप इस चीज को भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये चूंकि फुल्ली पेड है तो ये आपको इतना रिकमेंड नहीं करूंगा अभी। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट साइट पे। नेक्स्ट साइट का नाम है स्मैश वर्ड्स। आप यहाँ पर भी सेम चीज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे पूरा इन्होंने प्रोसेस भी दिया हुआ है कि कैसे आप बुक को पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करना फ्री है और यहाँ पे प्राइजेस क्या रहेगा वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे बाकी सारी चीजें भी देख सकते हैं कि तकरीबन इस पे यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा बुक यहाँ पे पब्लिश्ड है और तकरीबन 80,000 करीब यहाँ पे बुक्स फ्री हैं। तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं एक बार, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है स्क्रिप्ट। ये जो है ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप प्रोफेशनल में जा रहे हैं तो। ये एक थोड़ा सा पेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 दिन के लिए यहाँ पे फ्री रहा करता है। तो यहाँ पे भी अगर आप अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो ये भी आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अपलोड का जो ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड में आपको यहाँ पे आपकी बुक यहाँ पे अपलोड करनी है और यहाँ पे पब्लिश कर देनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रीच मोर देन 90 मिलियन रीडर्स। अब चूंकि ये एक पेड प्लेटफॉर्म है लेकिन जो भी प्रोफेशनल लोग हैं वो सारे यहाँ पे रहा करते हैं, सभी ने इसकी मेंबरशिप लेके रखी हुई है, यहाँ तक कि मैंने भी इसकी मेंबरशिप लेके रखी हुई है। तो यहाँ पे भी आपकी बुक जो है रीड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत सेल होने के चांसेस हैं। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म आप ट्राई करके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा इंस्टामोजो। इंस्टामोजो अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए बताया था, फिजिकल गुड्स अगर आपके हैं तो मैंने उसके लिए भी आपको इंस्टामोजो रिकमेंड किया था। साथ में अगर आप जाएंगे यहाँ पे एड प्रोडक्ट्स पे तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो फिजिकल गुड्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपका डिजिटल गुड्स है कुछ जैसे कि आपकी कोई PDF है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं,
आप कोई भी एक कोड डाल सकते हैं जो आपको रहेगा, और साथ में आप यहाँ पे कोई अगर कोड डालना चाहते हैं तो ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे प्राइस डालना है या फिर आपको फ्री करना है या फिर जितना कस्टमर पे करना चाहे उतना। तो अगर आप एक यहाँ पे प्राइस डालना चाहते हैं कि जैसे 999 आपने प्राइस डाला, फिर आपके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, साथ में प्रोडक्ट की इमेज डालना है, और साथ में आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग में बाकी सारी चीजें भी मिलेंगी अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं। ये ऑब्वियसली बात है कि यहाँ के जो इंस्टा मोजो के स्टोर्स हैं वो भी रैंक करते हैं, तो आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से डालनी है कि अगर आपको कोई कस्टम रिडायरेक्शन URL देना है, आपकी कोई साइट है, आपका कोई और पेज है, या आपने कोई और चीज बना के रखी हुई है, या आपको इसी स्टोर पे कहीं और जगह भेजना है, तो आप यहाँ पे वो URL डाल सकते हैं, साथ में नोट डाल सकते हैं, और साथ में टोटल अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको अनलिमिटेड डालना है तो आप इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद वेब हुक URL है कोई है तो वो आप यहाँ पे, फिर उसके बाद आता है SEO। ऐसा नहीं है कि ये कभी आपकी बुक है जो कभी रैंक नहीं करेगी। मैंने ऐसी बहुत सारी बुक्स देखी हैं जो इंस्टा मोजो की है और कभी कभी वो गूगल रिजल्ट्स में भी मैंने देखी हैं। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं और कैनोनिकल URL साथ में डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही सोच समझ के और अच्छे डालना है ताकि आपकी बुक भी रैंक करे। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जहां पे आप यहां पर भी अपनी बुक को सेल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको आप शेयर कर दीजिए, बाकी जगह पे आप शेयर करेंगे और आपकी बुक आराम से सेल हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां पे आप अपनी ई बुक को सेल कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद अगर और भी मुझे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं तो मैं इस पे एक ब्लॉग बनाऊंगा और उसकी आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल का कम्युनिटी टैब जो है ये भी कभी कभी यहाँ पे आके एक बार चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि कम्युनिटी में मैं ऐसी बहुत सारी चीजें पोस्ट करता हूँ, जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो मैं यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे पोस्ट कर दिया करता हूं, जैसे कोई पेमेंट प्रूफ है या कोई न्यूज़ है या कोई नया वीडियो है, या फिर ये देखिए यहाँ पे मैंने पेमेंट प्रूफ भी किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, तो आप ये भी ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक बार वीडियो बनाने बैठा तो मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, या फिर उसके लिए मुझे नया फिर से एक वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि यहाँ पे कम्युनिटी में आके पोस्ट कर दिया करता हूँ, तो कभी कभी आप ये आके कम्युनिटी भी चेक कर लिया कीजिए, तो आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी मिल सकती है। तो मैंने जो आज आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं, अगर इनसे आपको रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है तो आप मुझे यहाँ पे बताइए, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा, और आप जो कमेंट करेंगे उस कमेंट में भी आपको रिप्लाई दूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक नया वीडियो चाहिए है या फिर आपको एक छोटा सा इशू है, तो मैं वहीं पे कमेंट में भी उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते बस यही बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल AVS Tech अनंत वासवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जो फ्यूचर वीडियोज जो आने वाले हैं उनके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपके पास सारे अपडेट्स आ सकें। थैंक यू दोस्तों।